हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केक्स एंड फूड्स। आज हम स्पेशल सबकी ऑल टाइम फेवरेट ऐसे स्पेशल हम पानी पूरी बनाने वाले हैं। तो चलिए रगड़ा बना लेते हैं पहले। उसके लिए मैंने यहाँ पर चने और छोले दोनों को मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैंने आधा कटोरी चने लिए है और आधा कटोरी मैंने छोले लिए है। इसे मैंने ओवरनाइट कुक करने के लिए गर्म पानी में रख दिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इन्हें हम पका लेते हैं। पकाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले कुकर लिया है और इसमें भिगोए हुए चने और छोलों को डाल दिया है और इसी के साथ मैं इसमें 2 कप पानी डाल देती हूँ। साथ ही मैं इसमें एक बारीक कट किया हुआ टोमेटो डाल देती हूँ। इसमें मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल दिया है और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक भी डाल दिया है। अब इसे हम 4 से 5 सीटी होने तक पका लेंगे। जब तक ये पकता है तब तक हम पानी पूरी के लिए पानी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग जार लिया है, उसमें मैंने 1 कटोरी पुदीना लिया है और उसी में मैं 1 कटोरी हरा धनिया डाल रही हूँ। 1/2 नींबू का जूस डाला है मैंने इसमें, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। 2 हरी मिर्च डाली है, 4 अदरक के टुकड़े डाल दिए हैं, 1/2 चम्मच मैंने जीरा लिया है, 1/2 चम्मच मैंने शक्कर ली है, 1/2 स्पून मैंने नमक लिया है और 1 चम्मच मैंने इमली ली है। आप नींबू का रस या फिर इमली दोनों में से एक भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है और अब हम इसे पीस लेंगे। मिक्सचर पीस चुका है, आप देख सकते हैं ये इस तरह से बारीक हो गया है। मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, बाउल के ऊपर मैंने छलनी रख दी है और इस मिश्रण में मैंने थोड़ा पानी मिला लिया है और इसे हम छलनी से छान लेते हैं बाउल में। और ये जो बचा हुआ मिश्रण है इसे हमें फेंकना नहीं है, इसका यूज हम रगड़ा बनाने में करेंगे। अब हम इसमें 2 छोटे गिलास पानी मिला लेंगे। आपको जितना पतला पानी चाहिए आप उस हिसाब से पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच पानी पूरी मसाला डाल देंगे, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, आप टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, 1/2 चम्मच हम सॉल्ट डालेंगे, 1/2 चम्मच ब्लैक सॉल्ट, 1/4 टीस्पून हम यहाँ पर चाट मसाला डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी पूरी का पानी रेडी हो गया है। अब हम रगड़ा बनाने के लिए जो मसाला चाहिए उसे बना लेते हैं। तो जो बचा हुआ पुदीना और धनिया का जो मिश्रण है उसे हम मिक्सर जार में डाल देंगे और साथ ही में मैंने यहाँ पर 1/2 बॉईल किया हुआ आलू लिया है, उसे भी इसमें डाल दिया है और इसे हम बारीक पीस लेते हैं। ये कुछ इस तरह से बनेगा, इसे हम साइड में कर लेते हैं। तो रगड़े के लिए मसाला भी रेडी हो गया है। यहाँ पर चने और छोले भी पक चुके हैं, देख सकते हैं आप। तो चलिए अब हम रगड़ा बना लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कढ़ाई ली है, उसमें 1 टेबलस्पून में ऑयल लिया है। उसमें जो हमने आलू और पुदीना हरे धनिया का जो मसाला था उसे हम इसमें डाल देंगे और इसे 10 सेकेंड के लिए हमें फ्राई कर लेना है। ये फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डाल देती हूँ। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1/2 चम्मच यहाँ पर पानी पूरी मसाला डाल देंगे, 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, ये ऑप्शनल है, इसे मिक्स कर लेंगे। और जो हमने चने और छोले पकाए हैं उसे हम इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। चने और छोले पकाते टाइम जो पानी बचा था उसे हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें 2 बॉईल किए हुए आलू डाल देंगे, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और 10 मिनट के लिए इसे पका लेना है।
10 मिनट हो गए हैं, हमारा रगड़ा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसे घर पर ट्राई कर ज़रूर देखिए फ्रेंड्स, कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए बाय।